हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल में उडोली। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। गाइस तो गाइस आज है मेरी भांजी की मेहंदी का फंक्शन। मेहंदी और हल्दी दोनों साथ में हैं और आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हूँ और मेरे बच्चे भी रेडी हैं। हम लोग जा रहे हैं उसका फंक्शन अटेंड करने के लिए और मेरी नंद की बेटी है वो, तो वो लोग पास में ही रहते हैं गाइस, मतलब मेरे घर से थोड़ा ही दूर रहते हैं, तो हम लोग इसीलिए थोड़ा लेट भी हो गए हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए दिखाएंगे आप लोगों को कि उन लोगों ने अपना मेहंदी और हल्दी का फंक्शन कैसे मनाया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। और ये देखिए आप, मेरा बच्चा भी रेडी है। हाँ बात कर लो, हेलो हाय कर लो, हाय हाय बोलो हाय। तो गाइस चलिए मिलते हैं आप लोगों से वहीं पर और वहीं इंजॉय करते हैं। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ अपनी दीदी के घर, मतलब बड़ी नंद के घर, और आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हल्दी के रंग में रंगे हुए हैं। मतलब हल्दी का फंक्शन था तो सबको येलो कपड़े पहनने थे। मैं अपने बच्चों को भी येलो कलर के कपड़े पहना के लाई थी, खुद भी पहन के आई थी, और मतलब हम सभी लोग पहन के आए थे। बस मेरे हस्बैंड ने नहीं पहने थे क्योंकि उनकी जो ड्रेस थी वो नहीं आ पाई थी, तो इस चक्कर में उन्होंने नहीं पहन पाया। लेकिन जहाँ तक है लेडीज़ों लोगों ने सब ने पहने थे और आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे बच्चे लग रहे हैं गाइस, बहुत सुंदर लग रहे थे। और एक ही ड्रेस पहने तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। किसी भी फंक्शन में आप जाओ और अलग तैयार होते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है गाइस। मुझे तो तैयार होना बहुत पसंद है और मुझे बहुत मज़ा भी आता है। और ये है मेरी भतीजी, मतलब मेरी जिठानी की सबसे छोटी बेटी, सबसे छोटी जिठानी की एक बेटी है, और ये हमारे घर में परिवार में सबसे छोटी बेटी है, और ये मेरा बेटा है, ये पूरे परिवार में सबसे छोटा है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अब ऊपर छत पे खाना खाने के लिए। दीदी बोलने लगी कि फंक्शन स्टार्ट होने में अभी समय है, तो पहले तुम लोग खाना खा लो, फ्री हो जाओ, फिर उसके बाद, क्योंकि बाद में लेट हो जाओगे, खा पाओ या ना खा पाओ। तो इस चक्कर में हम लोग आ गए हैं ऊपर खाना खाने के लिए। मैं और मेरी भतीजी थी, तो हम लोग दोनों लोग थे, दोनों लोग खाना खाने के लिए आ चुके थे। क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो सभी लोग फ्री हो गए थे खाना खा के। तो गाइस ये है मेरी बड़ी नंद जिनकी बेटी की शादी है गाइस, और आप देख सकते हैं ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी सुंदर लग रही थी, और इनकी साड़ी तो बहुत ही सुंदर लग रही थी गाइस। तो और मैंने भी बहुत दिनों में इस साड़ी पहनी थी, क्योंकि मैंने लहंगे तो बहुत फंक्शन में पहन रखे थे, मतलब अपने भाई की शादी में भी अभी रिसेंटली थी और अपनी भतीजी की शादी में भी लहंगा पहना था हल्दी के फंक्शन में। तो मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, तो मैंने इसलिए साड़ी पहन ली। और ससुराल की शादी थी तो सोचा साड़ी में ही इंजॉय करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं खाना, और जैसे ही खाना फिनिश हुआ हम लोगों का, तो मैं आ चुकी थी नीचे। और ये देखिए मेरा बच्चा, ये इसको मतलब ये नमक खा रहा था वहाँ बैठे बैठे, इसको खाने के लिए खाना दो, तो उसे इसे खाने खाना खाने में कम इंटरेस्ट रहता है, उल्टी सीधी चीज़ें खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और ये है गाइस मेरी प्यारी सी भांजी, और आप देख सकते हैं बहुत प्यारी लग रही थी, इसी की शादी है गाइस, और फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग इंजॉय करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो गाइस कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा हम लोगों का, तो चलिए गाइस आप लोग इंजॉय करिएगा। सब लोग अपने मोबाइल से फोटो कहीं खींच रहे
भैया ने लाए तो भूल गई हो गई गाय के पी रही है करी घर आ बेटा आप अपन कल चलेंगे सब के साथ आ घर आ जा आ लोगों ने कहा माँ हो तो मैं देख कर शौक रखू, मैंने बोला ओके। Thank you.
बता दे कितना है।